बड़ी खबर आपको इस वक्त एक और बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। ब्रिस्बेन में टीम मौजूद है और इस लिहाज से टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिडनी में कई लोगों को बंधक बनाए जाने की घटना के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम जो वहां पर मौजूद है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीसीसीआई हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल ने कहा है कि हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष अधिकारियों से लगातार संपर्क में। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल को भारतीय टीम के साथ तैनात कर दिया गया है और भारतीय बोर्ड जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंतजाम से संतुष्ट है। अभी आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में बुधवार से होगा और 6 जनवरी को सिडनी में चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। अभी अगला टेस्ट ब्रिस्बेन में होना है, लिहाजा सिडनी टेस्ट के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह यकीन है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर नजर रखेगा। आपको ये पूरी घटना बता दें किस तरीके से हुई है, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एक एक चीज आपको बताना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर सिडनी उसमें मार्टिन प्लेस में लिंट कैफे में कम से कम एक बंदूकधारी ने कई लोगों को बंधक बनाया। ये देखिए तस्वीरें, यह बंदूकधारी घुसता है, सशस्त्र पुलिस ने कैफे की घेराबंदी कर ली है। यह ध्यान से देखें किस तरीके से अंदर घुसता है। इसके बैग, इसने एक बैकपैक पहन रखा है और सिर पे पटका लगा रखा है, बल्कि यह कहा जाए सिर पे एक कपड़ा बांध रखा है, यह कहना बेहतर होगा, बंडाना जैसी चीज पहन रखी है।